अच्छा स्कूल में जॉब करते थे। ये मेरे पास छोले हैं। अच्छा ये छोले आ गए। हेलो गाइस, वेलकम टू द फूडी सफारी। दिल्ली के एको फ्रेशो हमारे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके आ गए हैं घर की रसोई पे। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल है आंटी जी का, बहुत अच्छे से खाना बनाया जाता है, बहुत प्यार से खाना खिलाया जाता है। चलते हैं, आपको मिलवाते हैं इनसे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार आंटी जी, कैसे हैं? बढ़िया, हम बढ़िया। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे स्टॉल आपने लगाया हुआ है और नाम घर की रसोई है, तो क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? हाँ जी, अच्छा बाकी मेन्यू सेम है। एक बार दिखाएंगे सब्जियों वगैरह। तो भाई ये देख सकते हैं, एक कड़ी पकौड़ा आ गया। हाँ जी, डेली फ्रेश बनाई जाती है हर चीज। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, टेस्टी बनेगा। अरे वाह। और ये देख सकते हैं, ओ भाई साहब, राजमा के ऊपर रोगन जो तैर रहा है, कलर इतना बढ़िया है, खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है। आज ये तो सब्जियां, वैसे रोटी भी होती है, आज इनके साथ हमारे पास सिर्फ चावल है। और टाइमिंग वगैरह क्या रहते हैं यहाँ पे आपको? मेरे पास 12:30 बजे से आ जाती हूँ। 12:30 से 4 बजे डेली ओपन रहता है? अरे संडे ऑफ रहता है। ये देख सकते हैं, राइस है बढ़िया तरीके से स्टीम्ड है, देख सकते हैं एकदम खिले खिले चावल है। और साथ में रायता कह रहे थे आप? हाँ जी रायता भी होता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फ्लोर पे गर्मी का मौसम है इसलिए बर्फ डाली हुई है भाई। अच्छा, गर्मी में ठंडक ठंडक। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये देख सकते हैं एकदम छोटा सा सेटअप है, बहुत बढ़िया सा सेटअप है। आंटी जी यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए। अच्छा इससे पहले? इससे पहले मैं स्कूल में जॉब करती थी। अच्छा स्कूल में जॉब करते थे। ये मेरे पास छोले हैं। अच्छा ये छोले आ गए। अरे वाह, तो स्कूल से जॉब में मतलब यहाँ पे एकदम शिफ्ट होने का क्या रीजन था? कुछ बताएंगे अपने बारे में, कुछ जर्नी के बारे में? जॉब कॉन्टेक्ट पे। हाँ जी, लाइब्रेरी की मैंने जॉब की है। हाँ जी, तो इस वजह से जॉब थी नहीं, तो इसमें काम करना था, क्योंकि कहते हैं ना अर्निंग सोर्स एंड हो गया। ओके, कहते हैं कंटिन्यूटी में करने का आज के टाइम पे इतनी महंगाई है, काम करते करते भी जरूरतें पूरी नहीं होती है। हाँ जी, तो बिना उसके कैसे सोच सकते हैं कि आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। ये था कि काम शुरुआत या घर को सपोर्टिंग थोड़ा सिस्टम हो जाए, इसलिए काम ये काम शुरू करा। ऑर्डर आना स्टार्ट हो चुके हैं, हम भी अपनी थाली लगवाते हैं, आपको टेस्ट करके बताते हैं स्वाद कैसा रहने वाला है। और स्वाद जैसे कि आंटी जी ने बताया एकदम घर जैसा रहता है। और रेट क्या क्या रहते हैं वैसे? ये राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल, इनका हाफ 50 है, फुल 70 है। हाफ 50 है, फुल 70 रहता है। और यहाँ पे पैकिंग सुविधा भी उपलब्ध है, और अगर आपको यहाँ पे खाना हो तो वो चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। तो आंटी एक प्लेट हमारी भी लगा दीजिए राजमा चावल की, हम भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि कैसा रहता स्वाद। आपका खाली राजमा चावल लगाना है, कुछ मिक्सअप करवाना है? नहीं नहीं, सिर्फ राजमा चावल, सिर्फ राजमा। स्पाइसी लेंगे आप, नॉर्मल लेंगे? स्पाइसी। तो अब फटाफट से लगवाते हैं हमने राजमा चावल। अच्छा यहाँ पे आपके पास दो दो चटनी अवेलेबल रहती है? कौन कौन सी रहती है? धनिया की जो चटनी होती है। अच्छा, एक ये स्पाइसी, जो स्पाइसी लवर होते हैं। अच्छा, उनके लिए आते हैं। अरे वो ऊपर से आ चुका है प्याज, और ये हो चुका है हमारा राजमा चावल डन। थैंक यू। अभी देख सकते हैं राजमा चावल जो है आ चुके हैं, भरपूर क्वांटिटी में राजमा डाले हुए हैं, चावल एकदम खिले खिले हैं, ऊपर से चटनी प्याज के साथ सर्व करा जाता है। टेस्ट करते हैं इसको। अरे वाह, स्वाद एकदम भरपूर, टेस्ट एकदम लाजवाब।
मैं अपनी राय में जाकर फिनिश करता हूँ, आपको बताता हूँ यार लोकेशन क्या पड़ने वाली है। तो आंटी जी हमने तो राजमा टेस्ट करे, मज़ा आ गया, घर जैसा स्वाद मिल गया एकदम दिल्ली के अंदर। तो अगर यहाँ पे किसी को आना हो तो लोकेशन क्या पड़ती है? ये सर सेक्टर 8 है। हाँ जी, ये रोनी का पेट्रोल पंप है मेरे पास। अच्छा, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सेक्टर 8 का पेट्रोल पंप है ये। हाँ, भारत पेट्रोलियम। तो यहाँ पे यहाँ से जस्ट ऑपोजिट पड़ेगा आंटी जी का स्टॉल, यहाँ पे आ सकते हैं, घर की रसोई है नाम। आइए खाना टेस्ट करिए, बहुत अमेजिंग स्वाद होता है। रोटियाँ जो है बारिश के बाद स्टार्ट हो जाएंगी, है ना? ठीक है। और लोकेशन का आप जैसे कह रहे थे कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उसका क्या हिसाब किताब रहता है? हाँ जी, इसी तरफ रहते हैं, यही रहेंगे लोकेशन। बहुत बढ़िया, अभी थोड़ी गर्मी है। हाँ जी, पेड़ों की छांव है तो धूप से बचेंगे। अरे वाह, बहुत सही। तो और रेट वगैरह क्या रहते हैं सर? मेरे पास राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल, इनका हाफ 50 होता है, फुल 70 होता है। ठीक है, रायता 10 रुपए का होता है। ठीक है, और सब्जी रहती है उसकी 40 रुपए होती है। 40 रुपए की सब्जी रहती है, रोटियाँ 5 रुपए की रहती है। बहुत रीजनेबल रेट्स है, खाना बहुत स्वाद है। थैंक यू आंटी जी। तो गाइस यहाँ पे आप आ सकते हैं, खाना वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, घर जैसा स्वाद मिलेगा, टेस्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा और एकदम हेल्दी फूड मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।